वत्स विद्यालय की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाली कक्षा में, पहले वाले एपिसोड में विचार कर रहे हैं भाषा की उत्पत्ति पर। आज उसी से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ाई की थी भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के दो भेद होते हैं मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो होती है वो सर्वग्राही होती है, वह प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, उसे सीखना नहीं पड़ता, जबकि लिखित भाषा हमें सीखनी पड़ती है। लिखित भाषा यानी भाषा का लिखित रूप, दस्तावेज के रूप में, दस्तावेज जो होता है वो कहते हैं, तो उसे लिखना, लिखने के लिए सीखना पड़ता है, वो अडाप्ट करना पड़ता है हमें, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए, लिखने की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही एक निर्धारित ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे कि हम लिपि कहते हैं। आज हम विचार करेंगे इसे परिभाषा के तहत। लिपि किसे कहते हैं? व्यवहारिक ध्वनियों, जो ध्वनियाँ व्यवहार में आ रही हैं, जो मौखिक भाषा की ध्वनियाँ व्यवहार में आ रही हैं, उन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें हम लिखित कहते हैं। व्यवहारिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखे कहते हैं। इन लिपि चिन्हों का ज्ञान ही अक्षर ज्ञान है। जो निर्धारित लिपि चिन्ह होते हैं उनकी जानकारी जो हमें मिलती है, उनका जो ज्ञान हमें होता है, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही अक्षर ज्ञान है। इन लिपि चिन्हों को ज्ञान को जानना ही अक्षर है, या क्या ज्ञान ही अक्षर का ज्ञान ही अक्षर है। देखिए दो बातें इसमें स्पष्ट हो गई हम लोगों के सामने, दो बातें कौन कौन से स्पष्ट हो गई हम लोगों के सामने। एक तो ये स्पष्ट हो गई कि लिपि किसे कहते हैं, ध्वनियों को लिखित रूप प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखित करते हैं, जो चिन्ह हम निश्चित करते हैं उससे हम लिखित करते हैं, और इन लिपियों का जो ज्ञान होता है वही ज्ञान हमारे लिए अक्षर कहलाता है, उसी ज्ञान को हम अक्षर ज्ञान कहते हैं। भाषाओं के भांति लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो भाषाओं की तरह लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। भाषाओं के भाव लिपियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। संसार की विभिन्न भाषाएं जो होती हैं, जो है उन भाषाओं
की अलग अलग लिपि है और सारी भाषाएं अपनी अपनी लिपियों में लिखी जाती हैं। संसार की विभिन्न भाषाएं है, नेपाली है, संस्कृत है, इन सबकी लिपि जो है वह देवनागरी है। हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती भी, नेपाली, देवनागरी लिपि का विकास जो है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि में वैदिक संस्कृत रचना जो है वह ब्राह्मी लिपि में हुई है और वैदिक संस्कृत जो है वह संसार की पहली भाषा मानी जाती है, उसी से बाकी भाषाओं का विकास हुआ है। जब हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ब्राह्मी लिपि वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत में क्या हुआ कि अरे ये तो बात सबको पता होगी कि वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में और सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था, अर्थात सभी शिक्षा प्राप्त नहीं करते। शिक्षा कौन प्राप्त करते थे? उच्च वर्ण के लोग। चार वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चार वर्णों में जो सर्वोच्च वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण थे, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शिक्षा की प्राप्ति का अधिकार सिर्फ उनको था। तो सब लोग नहीं पढ़े लिखे थे, इसलिए बहुत स्वाभाविक सी बात है कि भाषा में सबके प्रांजलता नहीं थी। ये बात लेकिन इसमें गौर करने की है कि वर्ण व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था जो है, इसका आधार जन्म का ना होकर कर्म का था। अर्थात ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता था और शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता था। बेटा का अर्थ संतान से है, पुत्र से नहीं है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में स्त्रियों को भी शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ था। स्त्रियाँ जनेऊ भी धारण करती थी, स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था। तो वैदिक काल अपाला थी, लोपामुद्रा सब वैदिक काल की स्त्रियाँ हैं। तो उस समय उन लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था। तो ये जो जाति थी वह कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। इस प्रकार से ऐसा हो सकता था कि यदि मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरा बेटा शूद्र हो जाए, और मेरा बेटा अगर शूद्र है तो उसका पुत्र जो है या उसके जो बच्चे होंगे वो क्षत्रिय हो सकते हैं, क्षत्रिय के वैश्य भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार के व्यवसाय को चुनता था, जिस प्रकार की वृत्ति चुनता था, उसी प्रकार से उसकी जाति हो जाया करती थी। तो इसमें क्या होता था कि अगर शिक्षा नहीं है, हम अपने समाज में देखें, हमारी भाषा में प्रांजलता है, परिमार्जित है हमारी भाषा। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी भाषा अपरिमार्जित है, अप्रांजल है, प्रांजलता की कमी है। कारण क्या है? शिक्षा। शिक्षा की वजह से हमारे अंदर शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान हो गया है। तो वैदिक संस्कृत वही लोग पढ़ते थे जो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें ही संस्कृत ज्ञान होता था। बाकी लोग भी तो भाषा बोलते थे। तो क्या हुआ कि भाषा जो है मेरे से आप में से उनमें, उनमें से उनमें जो गई, तो भाषा का रूप परिवर्तित होता गया और वो लोगों का रूप हो गया, आम बोलचाल की भाषा। जैसे जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं, बहुत परिष्कृत भाषा लिखते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो हम आम बोलचाल की भाषा होती है, सबकी समझ में आती है, सब लोग वैसे ही बोलते हैं, लिंग का ध्यान रखते हैं, वचन का ध्यान रखते हैं। और ये कहते हैं कि बातचीत क्रम में भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का साधन है, विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, और मौखिक भाषा जो है व्याकरण के बंधन में नहीं बंधी होती है, जबकि लिखित भाषा जो है वो व्याकरण के बंधन में बंधी होती है। तो इस प्रकार संस्कृत का रूप परिवर्तित हुआ और वह भाषा बन गई लौकिक भाषा। वैदिक संस्कृत से हो गया लौकिक संस्कृत, उसका उससे उसका विकास हुआ पाली, पाली से हुआ प्राकृत, प्राकृत से हुआ अपभ्रंश, उसके बाद मागधी, शौर्य, सैनिक करते हुए। तो इस तरह से भाषा का विकास हुआ है।
पढ़ रहे हैं यहाँ पर देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। लिपियों का विकास नहीं इसी प्रकार से हुआ, लेकिन विकास कैसे हुआ लिपियों का, लिपियों का विकास कम लिपियों का विकास क्रम जो है इस प्रकार है। तो बेटा आपने चित्र देखी, मैं इसका इसकी व्याख्या कर चुकी हूँ पिछली कक्षा में। चित्रलिपि, चित्रलिपि के अंतर्गत किसी विशेष वस्तु के लिए इंगित करने के लिए, इशारा करने के लिए, बताने के लिए उसका चित्र बना लिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि ये लिपि जो है बहुत व्यापक रही होगी, उसके प्रमाण अभी भी गुफाओं और कंदराओं में मिल रहे हैं और ये सर्वग्राही रही होगी, लोग समझ जाते होंगे। दूसरा है सूत्र लिपि, रस्सियों में गांठ बना था, मैंने पहले वर्षगांठ बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि वर्षगांठ क्या होती थी, वर्षगांठ शब्द की उत्पत्ति कैसे होती थी। सूत्र लिपि में गांठ लगाकर भावों विचारों की अभिव्यक्ति सूत्र लिपि की संज्ञा से अभी की जाती है। है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग क्या करते हैं। मैंने पहले ही बताया है रस्सी को रंग कर, रस्सी की मोटाई बांट कर, रस्सियों को बांट कर या रस्सियों में गांठ लगा करके इसको बताया जाता। रंग बिरंगे सूत्र बांधकर धागा को बांधा जाता है।
रस्सी को रंग बिरंगे रंगों से रंगकर रंग बिरंगे सूत्र बांध दिए गए, वो निर्धारित रहता होगा कि इस रंग के सूत्र बंधे हुए तो क्या अर्थ निकल रहा है। रस्सी पर रंग बिरंगे रंगों से रंग दिया गया, रस्सियों की विभिन्न लंबाइयाँ बना दी गई और मोटाइयाँ बना दी गई। इस प्रकार से क्या हुआ, बना बना करके हम लोग वो सूत्र लिपि से हम लोग उसको बताने लगे। अब है प्रतीकात्मक लिपि। लेकिन प्रतीक चिन्ह तो थे ही, सिंबल तो था ही। वस्तुतः भावाभिव्यक्ति, भाव जोड़ अभिव्यक्ति, वस्तुतः भावाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक लिपि थी। प्रतीकात्मक लिपि थी, ठीक है। चूंकि यह भावाभिव्यक्ति की लिपि थी, इसलिए इसको पूर्णमेय लिपि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसलिए लिपि तो नहीं कह सकते, किंतु इसलिए इसे लिपि तो नहीं कह सकते। किंतु दूरस्थ व्यक्ति या व्यक्तियों
मूलक भाव मूलक लिखेंगे। भावों की अभिव्यक्ति संधि करनी है, ये भावना मन में आ गई है, इसको अभिव्यक्त करना है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए सफेद झंडा फहरा दिया गया। कई बार ऐसा होता था कि युद्ध क्षेत्र में दो योद्धा, दो अलग अलग शत्रु जो हैं आपस में परस्पर युद्ध कर रहे हैं, किसी एक पक्ष को लगा कि नहीं अब मेरे पाँव खड़ रहे हैं, अब मैं नहीं सकूँगा, तो उसने संधि के लिए ध्वज फहरा दिया, तुरंत संधि हो गई, झंडा फहरा दिया गया, संधि हो गई। ऐसा भी होता है। ये हो गया भाव अभिव्यक्ति का साधन। अब अगला देखते हैं भाव मूलक लिपि। भाव मूलक लिपि वास्तव में चित्रलिपि से ही विकसित होती है। अलग अलग व्यक्ति का की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग तरह से भाव उठते हैं, उसे अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यानी इसका कोई आकार प्रकार निश्चित नहीं है। सूर्य चित्रण न होकर भाव अभिव्यक्ति के निमित्त भावाभिव्यक्ति के निमित्त सूक्ष्म संकेत का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म संकेतों से उसका चित्रण किया था या उसकी अभिव्यक्ति किया था। उसके बाद आ गया ये भाव के साथ हो गया ध्वनि ध्वनि, यानी भाव ध्वनि मूलक हो गया। भाव तो थे ही, भाव के साथ साथ ध्वनि भी आ गई, तो हो गया भाव ध्वनि मूलक। अगला है विकसित रूप कहा जा सकता है। जो भावनाएं हैं, जो ध्वन्यात्मकता है, उसके अभिव्यक्ति करना है। तो यह चित्रलिपि का विकसित रूप था। स्थिति में भाव और ध्वनि दोनों ही तरह से होते हैं। इस लिपि को चित्रलिपि का सकता
अर्था है ध्वनि मूलक, भाव मूलक, भाव ध्वनि मूलक, इसके बाद है ध्वनि मूलक। अगला आएगा ध्वनि मूलक। स्थिति में संकेतों से ना करके उसके घर को प्रकट करने का विधान संकेतों से ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ पर संकेतों से भाव को नहीं प्रकट करके ध्वनि को प्रकट करते हैं, संकेतों से निर्धारित संकेत होंगे, वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति, वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति न करके ध्वनि को प्रकट करते हैं, ध्वनि को प्रकट करते हैं। वस्तु या भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, ध्वनि की अभिव्यक्ति हो रही है। याद कीजिए भाषा के परिभाषा में हमने यही पढ़ा था कि जब भाषा किसे कहते हैं तो भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसे हम लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ण से नीचे स्वर को हम ध्वनि कहते हैं। यहाँ बात आ गई ध्वनि, ध्वनि आ गया यहाँ पर। तो ध्वनि को जब प्रकट करते हैं उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं वह भाषा का ध्वनि मूलक रूप होता है। और अभी वर्तमान में ध्वनि मूलक रूप का ही प्रयोग हो रहा है, और जो हम लिख रहे हैं यह ध्वनि मूलक रूप है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उसे ही हम लिख रहे हैं। ये जो ध्वनि निकल रही है उससे ही एक निर्धारित प्रतीक चिन्हों से हम दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं या इंगित कर रहे हैं, या वो द्योतक हो गया है। तो यह अभी भाषा के लिपि का वर्तमान रूप है ध्वनि मूलक। वर्तमान में इसी रूप का प्रयोग होता है। अब है भाषा परिवार। जिस तरह से हम मनुष्यों का परिवार होता है, जानवरों का परिवार होता है, सबका परिवार होता है, उसी प्रकार से भाषा का भी परिवार होता है। तो मनुष्यों के परिवार की तरह ही भाषा का ही परिवार होता है। ऐसी भाषाओं का समूह, यानी इस तरह की भाषाओं का समूह जिनका जन्म एक ही मूल भाषा से हुआ है उसे भाषा परिवार कहा जाता है। समय के साथ साथ एक भाषा बोलने वाली कई जातियाँ विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में बट गई। जैसे कि मैंने पहले बताया है या आप लोगों ने भी इतिहास से पढ़ा होगा कि तरह तरह के आक्रमणकारी आए, आक्रमण हुए, वो जहाँ से आए अपने यहाँ की भाषा अपने साथ लेकर के आए, फिर विश्व के अनेक भागों में बट गए। जब बढ़ते चले गए तो उसी प्रकार से भाषा भी वहाँ की भाषा को भी ग्रहण किया और अपनी भाषा को भी सिखाया। इस प्रकार से भाषा का विस्तार भी हुआ और इस प्रकार से भाषा का परिवार बना। क्यों परिवार बना? क्योंकि वह उनकी उत्पत्ति एक ही भाषा से हुई थी। जैसे हम मनुष्यों का परिवार होता है, एक परिवार में चाचा है, ताऊ हैं, भाई हैं, बहन हैं, अलग अलग जगह चले गए, किसी की शादी कहीं हो गई, कोई नौकरी करने कहीं चला गया, फिर वहाँ जाके बस गया वो, लेकिन वो सब एक ही परिवार के होते हैं ना।
तो ऐसे ही भाषा के साथ भी हुआ। क्यों वो एक परिवार के हुए? क्योंकि उनकी उत्पत्ति एक है, उनके बाबा दादा एक हैं, उनके पूर्वज एक हैं, इसलिए उनका परिवार एक हुआ। मनुष्यों के विषय में कह रहे हैं तो भाषा के विषय में यही बात हुई कि भाषा की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, उसका विस्तार जहाँ से हुआ, फिर जहाँ उसकी शाखाएँ पर शाखाएँ बटी, इन सब क्यों अगर सूत्र पकड़ चलते हैं, एक सिलसिला बनाकर चलते हैं, तो क्या पाते हैं कि वो सब एक ही परिवार हैं। इतिहास के क्रम में नई भाषाएं बनती चले गई और एक ही परिवार के कई उप परिवार भी बनते चले गए। विश्व में लगभग 3000 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं और इन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारत में संसार के 4 भाषा परिवार भारतीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय परिवार की भाषाएँ हैं। भाषा का परिवार जैसे हम लोग क्या देखिए गोत्र कहते हैं, है ना, ये शांडिल्य गोत्र है, ये वत्स गोत्र है, ये भारद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, ऐसे ही ये भाषा का गोत्र हुआ, भाषा का परिवार। तो कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति? भारतीय, भारतीय और यूरोपीय मिलकर बना भारतीय, फिर द्रविड़ भाषा हुई, तिब्बत हो गई, बर्मी हो गई, जहाँ जहाँ से आक्रमण हुए, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि जहाँ जहाँ से आक्रमणकारी आए थे अपनी भाषा को लेकर, वो सब यहाँ हिल मिल गए और यहाँ की भाषा को उन्होंने आत्मसात कर लिया और अपनी भाषा को, उनकी भाषा को हम लोगों ने आत्मसात कर लिया। इस प्रकार से एक नई भाषा बन तो गई लेकिन भाषा की उत्पत्ति एक ही थी, इसलिए परिवार एक ही कहलाएगा। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन, ग्रीक, इराकी आदि भाषाएं जो हैं वो भारतीय परिवार की भाषा होती है। भारत की भाषाएं 2 परिवार में बटी, भारतीय और द्रविड़। भारत में 2 प्रकार की मुख्य भाषाएं बटी, एक हो गई भारतीय और दूसरा हो गया द्रविड़। भारतीय परिवार का एक उप परिवार भी हुआ जो कहलाया आर्य भाषा परिवार। हिंदी तथा उत्तर की अधिकांश भाषाएं जो हैं उत्तर भारतीय क्षेत्र की, जिनको हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं या अंग्रेजी में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट कहते हैं, वह जो भाषाएं हैं वो इस परिवार की मानी है। संस्कृत स्वयं जिस मूल भाषा से उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है, उसी से ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी निकली हैं। उसी भाषा से ग्रीक भी निकली है, ईरानी भी, इसलिए आप देखेंगे कि उन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुतायत से पाए। अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएं हैं। इस समस्त परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। यूरोपीय क्यों हो गया? क्योंकि अंग्रेजी और जर्मन भी है और भारतीय भाषा है ही, इसलिए हो गया भारतीय और यूरोपीय और मिलके बनाइए भारतीय। इस परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषाएँ कहा जाता है। जो भाषाएँ बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषाएँ कहा जाता है। भारत का दूसरा परिवार है, मुख्य परिवार भाषा परिवार द्रविड़, जो दक्षिण भारत में बोला जाता है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा द्रविड़ भाषा है, श्रीलंका में द्रविड़ भाषा है। तो 2 भाषाएँ हो गई, भारतीय परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार। आगे देखते हैं, अब जब हम भाषा परिवार के विकास की बात, भाषा के विकास की बात कर रहे हैं, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, उसकी चर्चा ना करें तो अनुचित होगा। मैंने पहले बताया था हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, लगभग। मतलब ऐसा नहीं कि उसके पहले हिंदी भाषा नहीं थी, भाषा थी, भाषा का साक्ष्य रूप नहीं था और हिंदी भाषा का विकास हुआ है। जहाँ से विकास हुआ है, अवधि से, ब्रज से, वो सब भाषाएँ थी, उनमें साहित्यिक रचनाएँ हुआ करती थी। इसलिए कोई ये ना सोचे कि 2020 चल रहा है तो 2020 से ठीक 1000 साल पहले, 1020 से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। कहने का अर्थ है कि हमारे पास प्रमाण है उस समय से, लिखित रूप में प्रमाण है। तो सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया था। मैंने क्या बताया अभी, थे वैदिक संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत हुआ, फिर उसके बाद आपको पाली हुई, पाली का प्राकृत हुई, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश का मागधी, मागधी का शौरसेनी, इस तरह से करके हिंदी भाषा का विकास हुआ। जब मैं बता रही थी आप लोगों को शब्द विचार, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी भाषा जो है वह सतत विकसित हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि आज सुबह सो के उठकर हिंदी भाषा बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसका धीरे धीरे विकास हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है और विकास का क्रम जो रहा है अनेक भाषाओं से होता आया है।
और हिंदी भाषा जो है एक मिक्सचर की तरह है, मिक्सचर मिश्रण कहते हैं, और मिक्सचर जो नमकीन खाते हैं क्यों उससे तुलना कर रहे हैं, क्योंकि किसी मिठाई से तुलना कर रहे हैं, इसलिए तुलना कर रहे हैं नमकीन से। क्योंकि एक आप मिक्सर का पैकेट उठाएंगे तो देखिए उसमें सेव है, उसमें दाल है, उसमें कुछ चटपटा चीज़ और डाला हुआ है, दाल डाली हुई है, मसूर की चने की दाल डाली हुई है, और भी कुछ चीज़ें हैं, मसाला है, तो इन सब चीज़ों का मिश्रण तैयार हुआ। और मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिश्रण को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सचर। तो ये हो गया मिक्सचर। तो हिंदी भाषा क्या हुई, वह मिक्सचर की तरह हुई। और मिक्सचर में जितना मसाला मिलाया जाता है वो उतना ही चटपटा, उतना ही तीखा बनता है, उतना ही स्वादिष्ट भी लगता है। वैसे ही भाषा जो हिंदी भाषा है उतनी ही अच्छी, उतनी ही सर्वग्राह्य हो गई, क्योंकि वैदिक संस्कृत अपने मूल रूप में थी और व्याकरण के कठोर नियमों से भाषा बंधी होती है, जिस वजह से क्या हुआ था कि वह दुरूह हो गई थी, आम लोगों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक नहीं था। एक बड़े क्षेत्र के लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे, कम क्षेत्र के लोग ही शिक्षित हुआ करते थे। उसके बाद इसलिए भाषा का वैदिक संस्कृत से भाषा की उत्पत्ति हुई, तो हुआ लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से और उसका विकास हुआ, उसका रूप बदला, तो हुआ पाली, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, धम्म ग्रंथों की रचना हुई है जिसमें। और आज भी बुद्धिस्ट लोग जो हैं जो पाली भाषा पढ़ते हैं, पाली भाषा अभी भी मान्य है, UPSC BPSC जो लोग देते हैं वो लोग पाली भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हैं। उसके बाद भाषा हुई प्राकृत। उसके बाद इन सब में विकृति आ गई। व्याकरणिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो विकृति आ गई, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो सर्वग्राह्य हो गई भाषा, भाषा को समझना और आसान हो गया और बन गया वो अपभ्रंश, जो कि टूटा फूटा खराब हो गया व्याकरणिक दृष्टिकोण से, वैयाकरणों के दृष्टि से, इसलिए इसका नाम रखा गया अपभ्रंश। और अपभ्रंश से यह भाषा बन गया आई मागधी, जो यहाँ हमारे पटना, नालंदा, बिहार क्षेत्र, मगध बिहार, मध्य बिहार क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, वह कहलाती है मागधी। उसके बाद फिर शौर से नहीं हो गई, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। इसका विकास हम कुछ इस प्रकार हम लोग मानते हैं, वैदिक संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। उसके बाद लौकिक संस्कृत, वह है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद है आपका पाली और प्राकृत, यह 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है। फिर अपभ्रंश है जो 500 से 1000 ईस्वी तक। हमारे देश में अपभ्रंश का प्रचलन 500 से 1000 ईस्वी के मध्य था, 1000 ईस्वी और अभी चल रहा है 2020, तो मोटा मोटी 1000 का तो हुआ हिंदी भाषा का इतिहास पुराना। उस समय देश में अपभ्रंश के कई रूप प्रचलित थे, शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री, इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं की धारा निकली और इनका विकास हुआ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे हिंदी भाषा के विकास पर।